पाकिस्तान करना चाहता है भारत से बराबरी, लेकिन अपने घर में नहीं बची फूटी कौड़ी। ऐसे कैसे भारत से अपनी दुश्मनी निभा पाएगा कंगाल पाकिस्तान। रोटी कपड़े के जंग के बीच में तो अब पाकिस्तान में दवाइयों की भी तंगी होगी। जी, पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर ठप पड़ गया है। चीन ने कर्ज दे दिया है, उसके बाद भी पाकिस्तान की कंगाली तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी आवाम को बचाना है, अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में अपना वजूद कायम रखना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के इस मामले में नाक थोड़ी ऊंची है। वो सबके सामने नाक रगड़ने के लिए तैयार है, पांव पकड़ने के लिए तैयार है, भीख मांगने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं तैयार है तो पीएम नरेंद्र मोदी के आगे झोली फैलाने के लिए, नहीं तैयार है तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए, नहीं तैयार है तो भारत में रोज के तौर पर फैलाने वाले आतंक को रोकने के लिए। जबकि अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं समझ भी गया है कि भारत के सामने गिड़गिड़ाए बिना अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि रोटी बिजली कपड़ा मकान खाना गैस तेल के साथ साथ अब तो हेल्थ सेक्टर पर भी बात बनाई है। पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर ठप पड़ गया है। आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान के अस्पतालों में इंसुलिन समेत तमाम आवश्यक दवाओं की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान का वित्तीय संकट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में बनने वाली लगभग 95% दवाओं के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, जो कि दूसरे देशों से आयात किया जाता है। लेकिन गंभीर रूप से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाने से कंगाली का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास अब आयात करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे हैं। पाकिस्तान सरकार फार्मास्यूटिकल सहित ज्यादातर आयात को पहले ही रोक चुकी है। कम विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि आवश्यक दवाओं या घरेलू उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सक्रिय दवा सामग्री को आयात करने की देश की क्षमता में भारी कमी दर्ज होना। पाकिस्तान के ड्रग रिटेलर्स ने खुलासा किया है कि देश में कई महत्वपूर्ण दवाएं जैसे इंसुलिन, डिस्प्रिन, कालपोल, टेगरल, निमोसोलाइड, हेपामिर्स, बुस्कोपेन और रिवोट्रिल वगैरह की भारी कमी है। मरीजों को आवश्यक दवाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सोचिए, जब इन्हीं दवाइयों का पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा तो कहां पाकिस्तान अपनी आवाम को बचा पाएगा, ऐसे कैसे पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मुल्क के अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स में हार्ट डिजीज, कैंसर और लिवर किडनी समेत कई संवेदनशील सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थेटिक्स के स्टॉक भी खत्म होने की कगार पर हैं। दवाओं की किल्लत के चलते कई अस्पतालों में जरूरी ऑपरेशन को भी रोकने या टालने में तेजी दर्ज की जा रही है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उसके तीमारदारों के सामने जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अस्पतालों में हाहाकार मचा है। वहीं दवा बनाने वाली कंपनियां तो सरकार को पहले ही प्रोडक्शन बंद करने का अल्टीमेटम दे चुकी हैं। पाकिस्तान की दवा बनाने वाली कंपनियों ने कह दिया है, अगर दवाओं के दाम नहीं बढ़ाए गए तो उत्पादन बंद किया जा सकता है। कंपनी ने दलील दी है कि पाकिस्तान रुपए के दाम में ऐतिहासिक गिरावट की वजह से लागत काफी बढ़ गई है, इसलिए मजबूरी में ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सरकार होगी, क्योंकि पड़ोसी देश भारत से आयात पर प्रतिबंध की वजह से दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल महंगे दामों में आयात करना पड़ता है, जिसकी औकात अब पाकिस्तान की रही नहीं। कहां पाकिस्तान अब इस काबिल रहा कि विदेशों से जरूरी सामान आयात कर पाए। वो तो अब चाहे तो शायद भारत से भी आयात करने के लिए जमा पूंजी बचा नहीं पाया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। यही कारण है कि अब मरीज आवश्यक दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब तो आवाम वैसे भी पाकिस्तान से अलग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत में जाकर सुकून की जिंदगी बिताने के लिए उतावली नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं भारत का रुख पाकिस्तान के मुद्दे पर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान अगर भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाएगा तो ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि भारत कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता है। फिर चाहे किसी ने भी भारत के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन भारत इंसानियत को सबसे बड़ा मानता है। लेकिन उसके लिए पहल तो सिर्फ पाकिस्तान ही करेगा। भारत जबरदस्ती जाकर पाकिस्तान का मुंह नहीं भरेगा। अब भारत वो वाला भारत नहीं रहा कि गोली भी खाए और मदद भी पहुंचाए। पहले गोली बंद होगी, तब कहीं जाकर भारत से पाकिस्तान में रोटी मिलेगी। वैसे जिस तरह की गंभीर स्थिति पाकिस्तान में बनी है, जिस तरह का संकट पाकिस्तान पर आया हुआ है और अब तो हेल्थ सेक्टर भी ठप होने के कगार पर पहुंच गया है, ऐसे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से उबारने के लिए कौन आगे आएगा, या फिर पाकिस्तान यूं ही खत्म हो जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।